हम यही कहेंगे कि आप यूं ही चांद तारों की तरह चमकते रहे और ऐसे ही पार्टियां देते रहे। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो, आप वैसे ही रहे और ये दिन बार बार आता रहे। सोनू पांडे जी मेन विला बोलिए, 200 की बोली देता हूँ, चलिए 200 सूटी जी के लिए। तारीफ उस खुदा की, तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया, और न जाने इतनी हसीन मिट्टी जाने कहां से लाया। हैप्पी बर्थडे सूटी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। अरे आप बोलो, मैं नहीं हैप्पी रिटर्न टुडे, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, इसके लिए शुभकामनाएं, हमेशा उसके साथ है। और ये गाना किया हम लोग ने, बहुत मेहनत की इसने, बहुत बढ़िया गाना हो गया है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। आगे भी अभी हम लोग करेंगे, बहुत सारे गाने करेंगे। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू स्वीटी जी को, आज ही बड़ा खूबसूरत दिन है, आइए आइए, जन्मदिन की हार्दिक हृदय से शुभकामनाएं। आप इसी तरह बर्थडे मनाते रहे और पूरे इंडस्ट्री को बुला के और एक शाम की है खूबसूरती जो है बिखेरते रहे। थैंक यू। अपने दोस्त के बारे में क्या कहूँ, बस हमेशा दिल से ही दुआ निकलता है, हमेशा ऐसे खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बस यूं हर साल हम तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे मनाते रहे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे स्वीटी। एंड हमने साथ में एक मूवी की हुई है चंदा, यू आर द लीड, और हम शायद 2 सालों बाद मिले हैं, बट महादेव ब्लेस यू, ऑलवेज कीप राइटिंग लाइटिंग, हैप्पी बर्थडे, थैंक्स। हैप्पी बर्थडे स्वीटी जी, जल्दी एक पॉलिटिक्स में नया कदम बहुत जल्दी हो, और गाने से ही पता चलता है कि बीजेपी में बड़ा एक बहुत बड़ा पद जल्दी मिलेगा, और MLA बन के हमारे बीच में आए, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू मैम, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, व्हाटएवर यू विल बी टेकिंग, एंड लॉट ऑफ गुड लक, एंड विश दैट गॉड शावर्स यू ऑल दैट व्हाटएवर यू हैव सेट योर आईज ऑन। थैंक यू वेरी मच मैडम। सबसे पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां आपको, और आज आपका गाना भी जो है वो लॉन्च हुआ है और लोगों को पसंद आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर जो गेस्ट आए हुए हैं और जो यहाँ पर लोग आए हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया, क्योंकि अभी बहुत जो माहौल चल रहा है उसमें सभी आप लोग भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मुझे पता है आप लोगों को बहुत जगह जाना भी होता है, और इसी बीच क्योंकि मेरा जन्मदिन भी आ गया और मेरा खुद का गाना भी जैसी आराम जो है लॉन्च हुआ है, और आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला मुझे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। स्वीटी मैडम क्या कहना चाहती हैं गाने के बारे में, दिल से बोले जैसी आराम, दिल बोले जैसी आराम, दिल ऐसा गाना है ये गाना, तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा दिल सिया राम बोले राम जी को डेडिकेटेड है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा ट्विस्ट है और ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अलग हट के मैंने यूज़ की हैं, और मोदी जी को ये गाना बहुत पसंद आएगा क्योंकि मोदी जी के लिए कोई गाना नहीं गा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कि कुछ चीज़ें जो उनके लिए सच में उन्होंने की हैं वो मेरे दिल से निकली हैं इस गाने में। तो दिल सिया राम आप लोग ज़रूर देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या मेरे दिल से निकला है, तो गाना अपने आप में बहुत अलग है और यूथ के लिए बना है गाना। मोदी जी को आपने इसलिए गाना जो है डेडिकेट किया है इस गाने में, बीजेपी ज्वाइन करने वाली है, बीजेपी के लिए चुनाव लड़ने वाली है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, मतलब कोई इंसान बीजेपी से जुड़ेगा या फिर उस चुनाव में लड़ेगा तभी वो मोदी जी को प्यार करेगा, ये मेरी खुद की अपनी पर्सनल फीलिंग है कि उन्होंने इतनी जो मेहनत की है इस चीज़ के लिए, उनकी वजह से आज पूरा जो देश है, देश में मैं कह रही हूँ विदेश भी, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड राम में हो गया है, भगवा में हो गया, तो सब लोग अगर वो चीज़ कर रहे हैं तो किसकी वजह से कर रहे हैं, आज मोदी जी की वजह से हम लोगों को ये दिन देखने को मिला कि राम मंदिर बन रहा है,
श्री राम भगवान जी वापस से अपने घर में आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो उनके लिए अगर मैंने ये डेडिकेट किया है तो ये तो जो लोग हैं उसके अंदर उनको डेडिकेट करना चाहिए था मुझे लगता है, तो मैंने कर दिया। तो उसमें ये थोड़ी ना कि मैं जुड़ना चाहती हूँ, यानी वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन कई सारे लोग उनके खिलाफ भी हैं, वो कहते हैं कि इस पूरे इवेंट को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और इसे भाजपा का इवेंट बता रहे हैं, इसलिए विपक्ष के ज़्यादातर लोग नहीं जा रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि किसी की तरक्की से ऐसा नहीं है कि हर कोई खुश हो। जब कोई चीज़ बनती है तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी लोग जोड़ जोड़ के खड़े होते हैं। अपोजिशन पार्टी के अपने विचार हैं और वो तो शुरू से ही आपको पता है कि वो तो किसी ना किसी चीज़ में मीन में निकालते ही रहते हैं। मतलब उनको हर मोदी जी की हर चीज़ में उन्हें प्रॉब्लम नज़र आती है। ये सेपरेट इशूज़ हैं उनके, और ये जो लड़ाई है वो तो सालों से चली आ रही है, तो उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि देखिए जो चीज़ उन्होंने करके दी है और आज जो देश कर रहा है उनकी वजह से, तो ये चीज़ किसी ने तो पहले नहीं की थी। तो अपोजिशन पार्टी कुछ भी बोल ले, अगर उन्होंने ये भगवान में करवाया होता या राम मंदिर का इतना बड़ा आयोजन जो आज हो रहा है, मुझे लग रहा हर घर में हर जगह लोग जो हैं उसको एक ऐसे सेलिब्रेशन ही दिवाली हो गया है, तो वो इतने सालों में तो नहीं दिखा ना। श्रुति जी, फिल्मों के मुद्दे पर जानना चाहता हूँ। फिल्मों में मुझे याद है मैंने खुद आपको कुछ देखा है, बड़ा नाम आपने जो है सिनेमा में प्रवेश किया है, अब तक का जो सफर है वो कैसा रहा है? मेरा सफ़र तो आप लोगों ने देखा ही है और मैं बहुत खुश भी हूँ। मैंने इंडस्ट्री को काफ़ी साल दिए हैं और आज तक मैं काम कर ही रही हूँ, और बहुत प्यार मिला है, आप लोगों का भी बहुत साथ मिला है, आप लोग अभी तक जुड़े हुए हैं साथ में, और बहुत से चेहरे मुझे दिख रहे हैं जो सालों से मेरे साथ बैठे हुए हैं अभी भी तो आप समझ सकते हैं मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री ने एक मुकाम दिया, जिसकी वजह से मैं स्वीटी से स्वीटी छाबड़ा आज पहचानी जाती है, उनका नाम है। नहीं, वजह कुछ नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि मैं कंटिन्यू काम ही करती रहूँ, बहुत काम मैंने कर लिया इस बीच, थोड़े टाइम का मैंने ब्रेक ज़रूर लिया, मगर उस बीच में कुछ और काम कर रही थी। अब सोचिए ना, वो काम करते करते उसका रिजल्ट भी तो आप देख रहे हो ना कि आज एक बहुत ही बड़े लेवल पे एक बहुत ही हिंदी का बहुत बड़ा सॉन्ग जिसे हमने बड़ी मेहनत से बनाया और आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया, तो ये उसी का नतीजा। जो ब्रेक लिया था तो सोचा क्यों ना फिर थोड़ा ब्रेक ले लेके आएंगे तो थोड़ा आप लोगों को भी देखने मज़ा आएगा ना। चलिए सवाल एकदम सीधा आपसे पूछ लेता हूँ, क्या स्वीटी छाबड़ा ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है? ओह गॉड, ये बड़ा डेंजर सवाल है। मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री को अलविदा नहीं कहा है, मेरा कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ, मुझे अभी तक कोई अच्छे सब्जेक्ट नहीं मिले हैं, और जो डायरेक्टर्स हैं शायद वो उनको मैं समझ में नहीं आती, उनको लगता है कि इसके लिए कुछ डिफरेंट करेक्टर्स लिखने पड़ेंगे या कुछ, तो वो चीज़ें मेरे को लग रहा है अभी तक नहीं हुई हैं। तो डायरेक्टर्स भी थोड़ा सोचते होंगे लेने के लिए कि सारे कर चुके हैं करेक्टर, कुछ नया क्या दें, और मैं भी नया चाह रही थी क्या मिलेगा, तो इसे सोचा थोड़ा ब्रेक ले लें। मगर मैंने अलविदा नहीं कहा है, मैं फिर से आ गई हूँ इंडस्ट्री में और अब कंटिन्यू काम करूँगी, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगी। जैसे आपने गाना भी किया तो बड़े स्केल का गाना किया जैसे आराम जी जी, आपने हिंदी में किया, आप चाहती थी भोजपुरी में भी कर सकती थी, तो कहीं एक बार फिर से आप बॉलीवुड की तरफ रुख कर रही हैं, भोजपुरी को अलविदा कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बॉलीवुड की तरफ रुख कर रही हूँ। हाँ, ये मैंने एक्चुअली, क्योंकि एक गाना जिस तरीके का बना था वो यूथ के लिए बना है, और आपको मालूम है कि मोदी जी भी जो है वो यूथ को काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें लगता है उनके लिए कुछ होना चाहिए। भोजपुरी का भी गाना आएगा बहुत जल्दी, मगर ये था कि ये गाना जो है वो डेडिकेट टू राम जी एंड मोदी जी के लिए था, तो मुझे लगा कुछ अलग तरीके से बनाया जाए फ्लेवर। लेकिन आपने देखा होगा उसमें मिक्स फ्लेवर्स है, ऐसा नहीं है, और हमारे जो बिगनिंग है आप लोगों ने देखी होगी, बहुत प्यार मिल रहा है गाने को, क्योंकि इसमें हम लोगों ने प्रेजेंट किया है कि हम कहाँ शूट कर रहे हैं, हमने वो लोकेशंस जो दिखाई है कि मालदीव्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं, हमारा लक्षद्वीप भी बहुत खूबसूरत है और वहाँ पर राम में वहाँ पर भी लोग हैं, वहाँ पर भी ऐसी पार्टी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टीज़ होती हैं वो अलग तरीके की हों, तो देखिए राम में वाली पार्टी भी हो सकती है जहाँ पे लोग श्री राम के नारे लगाते हैं, ऐसे डीजी सॉन्ग्स भी तो आने चाहिए ना। तो आप ही लक्षद्वीप को प्रमोट कर रही हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेंगे, मैटर करता है जी।
स्वीटी जी सवाल आपसे ऐसा है जाने से पहले कि इतनी सारी फिल्में आपने की, आपने की भोजपुरी फिल्मों में जो है अच्छी अच्छी फिल्में और बढ़िया बजट की जो है फिल्में बड़ी बड़ी जी जी रिसेंटली कोई फिल्म जो आपको लगा हो कि बहुत बढ़िया बनी हो जिसे स्वीटी छाबड़ा ने देखा या जिनको लगता है कि भाई ऐसी फिल्में बननी चाहिए और ऐसी फिल्म का मैं हिस्सा हो सकती हूँ? अभी बहुत सारी फिल्में आई हैं जो मैंने देखी हैं और मुझे लगा कि बहुत इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है हमारी फिल्मों में। अभी रिसेंट भी एक फिल्म का मैंने ट्रेलर देखा था, रंग दे बसंती का, रिसेंटली SRK जी का था, रोशन जी का, जी जी SRK म्यूज़िक का, रोशन जी की फिल्म का वो ट्रेलर मुझे थोड़ा सा कैची लगा और टीज़र था, हाँ सॉरी ट्रेलर नहीं टीज़र था, वो मुझे कैची लगा और वो डिफरेंट था, तो मुझे उससे ऐसा लग रहा है कि कुछ सब्जेक्ट्स चेंज होके बन रहे हैं, मेकिंग में लोग थोड़ा डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं और एक्टर भी चाहते हैं कि कुछ उन्हें डिफरेंट करने का मौका मिले, तो वो भी ट्राई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ ना कुछ चेंज तो आया है भोजपुरी इंडस्ट्री में। सॉरी पप्पू भैया कोरियोग्राफर थे जी, बदलाव तो कुछ ऐसा नहीं आया, हम लोग टच में भी हैं लेकिन क्या सब अपनी अपनी लाइफ में भी बिजी हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर भोजपुरी भी कर रहे हैं, मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, हाँ लेकिन ऑडियंस चाहती है कि हम साथ में काम करें फिर से, वो चाहते हैं पार्ट टू भी बनाएं हम होगी प्यार की जीत का, और बहुत मुझे जो फैंस बोलते हैं आप दोनों साथ में आइए एंड होप सो कि हम फिर साथ में काम कर पाए, तो उम्मीद तो है, बदले तो कोई नहीं है, देखो बदल तो कोई भी नहीं है। सवाल यही था मेरा आपसे, सवाल यही था, कनेक्शन सवाल यही था, फैंस आपको चाह रहे हैं, जरूर मुझे इस बात का भरोसा है कि लोग आपको मैसेज करते होंगे सोशल मीडिया पे, आपको पूछते होंगे कि भैया आप फिल्मों में कब आ रही हैं, या खेसारी लाल यादव के साथ आपकी वापसी कब हो रही है फिल्मों में, आप उन्हें कैसे जवाब देती हैं और वो आपकी बात को कैसे लेते हैं? मैं सच में मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे फैंस के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, वो मुझे जब भी मैं कोई पोस्ट करती हूँ मुझे हमेशा बोलते रहते हैं स्वीटी जी आप खेसारी जी के साथ कब काम कर रही हैं, आप कभी वापस फिल्मों में आ रही हैं, हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम आपको वापस स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तो मैं उनको ना बोलती हूँ कि थोड़ा इंतज़ार करिए, तो फिर वापस से वो बोलते कब आ रहा है, मैंने वेट मैं आऊँगी जल्दी, और जब मैं बोलते हैं कि आप कुछ कर रहे हो, मैंने कहा तो मैडम कब रिलीज़ होगा, मैं बोलती हूँ थोड़ा सा इंतज़ार करो, तो उनका जो पेशेंस है वो कभी डिसअपॉइंट नहीं हुए और वो पेशेंस के साथ मेरा वेट आज तक कर रहे हैं, और उसका ही नतीजा था जो आज मैंने ये चीज़ बनाई, मैंने सोचा उनको एक अच्छी चीज़ मैं गिफ्ट करूँ और ये चीज़ मैं उनके लिए लेकर आई, ये शुरुआत है, और मेरे फैंस के प्यार के चक्कर में और उनके पेशेंस के चक्कर में मैं आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें बना के प्रेजेंट करूँगी और खुश होंगे मेरे फैंस की, नहीं यार चलो आई है तो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, वो चाहते हैं मुझे बहुत अच्छे और डिफरेंट और बड़े लेवल पे, मेरा रिस्पेक्ट करते हैं वो, मुझे बहुत बड़ी मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ सीरियसली कि मतलब आर्टिस्टों को मैंने देखा है अलग अलग वे में चीज़ें सुनने को मिलती हैं, बहुत अपने अपने व्यूज़ होते हैं, मुझे जो सम्मान दिया है ना मेरी जो ऑडियंस ने, मेरे फैंस ने, मैं उन सबको दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि आप लोग का प्यार है और आप लोग की ब्लेसिंग्स हैं जो आज मैं फिर यहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रही हूँ, और मेरी गाने का जो लॉन्चिंग हुआ है वो बड़े लेवल पे हुआ, गाना आते ही आप लोगों ने उसको इतना बड़ा प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया कि गाना सुपर हिट हो गया, तो इसे और सुपर डुपर हिट बनाइए जय श्री आराम को, और मैं फिर से ही कहूँगी जय श्री आराम। थैंक यू सो मच। आज हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, हमारी बेटी है, बर्थडे भी है, आज हमारा गाना भी रिलीज हुआ है, आज हम लोग ने इतना मेहनत करके एक गाना बनाया, आप लोग ने देखा होएगा, आपको पसंद आया होएगा, हम लोग आगे भी और गाना करने वाले हैं, हमारी बेटी का बर्थडे आज, हम हर साल बर्थडे इनका मनाते, अगले साल भी मनाए थे, उससे पहले ही मनाए थे, हम शिमला में हिंदी पिक्चर करके आए थे, पंजाबी पिक्चर करके आए, काफ़ी काफ़ी काम किया, आज से नहीं 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो आज भी हमारे वही रिलेशन है, बेटी है, मैं बाप हूँ इनका, तो एक फैमिली हमारी है। हम लोग वही काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, दिखाएंगे लोगों को, लोग देखे कुछ नयापन, कुछ नया करके, अभी जो गाना भी है पप्पू जी ने बहुत मेहनत से कोरियोग्राफी किया और बहुत अच्छा गाना बनाया है, इनकी टेकिंग शॉट्स आप लोग सब गाना आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग को शायद अंदाज़ा लगा होगा, गाना खुद काम किया उस गाने में जी हाँ, मेन शॉट तो ये है कि हमारे जो सुभाष गई जी जो हैं उनका जो शॉट था वो सब शॉट पे भारी पड़ गया था। एक शॉट मैंने बोला मैं ही दूंगा,
बस वो शॉर्ट मेरा दिल था। उस शॉर्ट में ये हीरो हीरोइन सब बन गए, इन्होंने मार दे दी सबको। देखो ये होता है, सुभाष घई जैसा हर पिक्चर में एंट्री मारता है, तो मैं भी सोचा एक ये कर लूँ, मंदिर वही बनाएंगे, यही है, यही मैंने किया खाली इतना। बाकी बच्ची ने बहुत मेहनत किया, बहुत स्वीटी ने इतना अच्छा मेहनत किया, अच्छा है। जो आज तक मेहनत करते आ रहे वो हमेशा तरक्की करते हैं। जो बोले नहीं नहीं मैं थक गई ना, वो नहीं है, आज भी उतना ही पावर है। नहीं पप्पू जी ने बहुत नचाया मुझे, मासी रात जी तक बोले, हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। हाँ मासी जी ने बहुत कराया, पूरा गाना बूम कर चुका है मार्केट में, भी 4 से 5 घंटे में और काफी व्यूअर्स आ गए, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? बस हम लोग यही मेहनत करें, ऑडियंस हमको लाइक करे, बस हमारी बेटी को लाइक करे, उसमें हम खुश हैं। आगे बढ़ते जाए और एक गाना और करेंगे, कंटिन्यूस गाना करेंगे, करते रहेंगे। आप लोगों को कुछ ना कुछ नया नया मिलता अभी है। अभी मेरे खास मेरे आगे हाँ जी हाँ कि कितने साल से आप जानते हैं स्वीटी जी को? कम से कम 10 साल पहले मैंने आपको गाना शूट करते हुए देखा। हाँ ठीक है, आप कितने साल से जानते हैं? 20 साल से जानता हूँ मैं इसको, 20 साल से। मैं शिमला में शूटिंग करके आया था, मेरी पहली फिल्म में कोरियोग्राफर पप्पू जी थे, जो हमने शिमला में शूट किया था। दैट टाइम आई वाज वेरी यंग, मुझे कुछ ABCD पता नहीं था और ये मुझे बहुत डांट डांट के इन्होंने काम कराया, मैं रोती भी थी सर पे। पप्पू भी डांटते नहीं है, तो बड़े सीरियस करते हैं। नहीं नहीं, इन्होंने क्योंकि मैं नई नई थी तो मतलब काम नया था, नई चीज़ें समझ नहीं आती थी, हिंदी फिल्म थी उसके ऊपर, तो मास्टर जी ने मतलब बिल्कुल बोला परफेक्शन चाहिए, मींस चाहिए। देखो नए बच्चे आते तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है, प्यार से नहीं आते, थोड़ा डांट के आते, फिर आस्ते 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 लाड में होते हैं ना, फिर लाड में फिर हमारे करीब आ गए, बेटी बन गए, फैमिली बन गए, फिर उसके बाद पॉलिश होते होते फिर हमारा गाना भोजपुरी का हिट हुआ था, होट लाली के तो आप थे तो वही गाना, उस गाने को देख के पप्पू भैया आप दोनों की ट्यूनिंग बड़ी शानदार लग रही थी, बहुत शानदार। आज तक है, ही मींस व्हाट, आज तक अभी तक है, ऑफ कोर्स अभी तक है, आज भी काम कर रही है, मेरे बिना कोई काम नहीं करती है। आज भी फोन करती है, पापा आ जाओ गाना करना है, वो मेरा कोई एज ए कोरियोग्राफर एज ए कोई है नहीं, वैसा रिलेशन नहीं, जो मेरा जो कोरियोग्राफर का हिसाब होता है एज ए डायरेक्टर है, ओके बेटा की कर रही है मैं आ रहा हूं, वो आधी रात को घर आ जाती करना है, मेरे घर बैठ जाती, खाना खा ले, गाना करना है, हाँ जी कर लेते, ऐसा फैमिली रिलेशन है। बिल्कुल बिल्कुल मुन्ना भैया, कैसे शुभकामनाएं? मुन्ना भैया की भी अपनी बात है, मुन्ना सर भी बिल्कुल आज सुटी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन्होंने जो गाना गाया है मैं उसको 3 बार देखा, और जो काम और आप लोग का जो वर्क है ना, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। तो आप सब मेरे जितने, अगर मैं अपने सारे सब्सक्राइबर हो, फॉलोवर हो, मेरे जितने लोग हैं, अगर मुन्ना दुबे को चाहने वाले लोग हैं, सब लोग जा कर के ना इस गाने को सपोर्ट करें। थैंक यू थैंक यू। और जन्मदिन पे गिफ्ट एक लाइन है कि धरती पर उतरल बचान बदरी के घूंघटवा डाल के, धरती पर उतरल बचान बदरी के घूंघटवा डाल के, मन करे कि सब कुछ दे दे तोहरा के, करे जा निकाल के, धरती पर उतरल बचान बदरी के घूंघटवा डाल के। हैप्पी बर्थडे सुटी जी, आप so ऐसा ही मुस्कुराते रहिए, पार्टियां हम लोग को देते रहिए, बुलाते रहिए और फिल्में करते रहिए जी, आप ऐसे ही गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ आप भी जुड़ के काम करिए, बस मेरी भी ये विश है। थैंक यू थैंक यू। पहली बात कि सभी भोजपुरिया दर्शकों को करण पांडे का प्रणाम, और स्वीटी मेरी बहुत पुरानी और बहुत प्यारी दोस्त हैं, तो स्वीटी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड सेकेंडली, जो आपने बोला कि आप मुंबई में हैं और बहुत दूर आए हैं बर्थडे के लिए, तो मुंबई में तो कहाँ दूर है, तो मुंबई है ना सर? बिल्कुल, आप लोग आए और आप बारी समर जी की है,
सबसे पहले दर्शकों को ढेर सारा प्रणाम, नववर्ष की शुभकामनाएं। और आज स्वीटी जी का जन्मदिन है। स्वीटी जी के साथ मैंने सिर्फ एक ही फिल्म की है, होगी प्यार की जीत, है ना? हाँ, लेकिन उसमें भी हम लोग आमने सामने नहीं आए। करेक्ट, केसारी जी हीरो थे। लेकिन मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब तंदुरुस्त रहें। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, गाना मैंने देखा, गाना मैंने भी देखा, मुझे दोपहर में मिला टोटल डीजे स्वीटी। डीजे स्वीटी मतलब मेरे स्टाइल का ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा गाना। सही सही बोलना। अरे ऑब्वियसली सही सही। अब वो एक एक फ्रेम बताऊं कि आप कहाँ पे थी, उसके बाद हीरो आता है, हीरो कौन था, वो भी मतलब इतना डिटेल में देखा, डिटेल में देखा, तभी बोला। वैसे मैं वो लक्ष्मीदीप ढूंढ रहा था कि ये गाना कब शूट किया, अभी किया कि मोदी जी के जाने के पहले किया था, उनके जाने के बाद। देखिए अभी आज बर्थडे है, कल देखिए पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है जी। अभी भी लक्षद्वीप में आपको आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही, समुद्र की नहीं, लहरों की आवाज आ रही है। आवाज आ रही है तो लक्षद्वीप में है, भले छोटा लक्षद्वीप है ये, इंडियन लक्षद्वीप। तो समर जी आप भी गाना शुरू करने वाले हैं? क्यों मुझे लेके रैपर बनेंगे समर जी? हाँ, मैंने भी सुना था, मैंने सुना था रैपर बन रहे हैं। अच्छा, मतलब डीजे वाली मैं तो रैपर ही है। आप रैपर बनना बन सकते हैं आप? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, गायन विद्या में इतना संपूर्ण परिपक्व नहीं हूँ। अरे आप सब में संपूर्ण गायन में नहीं, आप अच्छा गा रहे हैं, आप अच्छा गाती हैं, कानों को बुरा नहीं लगा, आपका अच्छा था, मेरा मुझे नहीं बर्दाश्त कर पाता। मेन विलन सोनू पांडे जी, सबसे पहले तो स्वीटी जी के बर्थडे पार्टी में आप आए हुए हैं यहाँ पे और हमें इंटरव्यू भी दे रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ जी। धन्यवाद, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार प्रणाम। और आज हमारे इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकारा स्वीटी जी का जन्मदिन है, तो स्वीटी जी आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। दिनेश भाई आप कैसे हैं और मैडम को कैसे विश करते हैं आज? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हर साल स्वीटी जी का बर्थडे हम लोग बड़े ही धूमधाम से साथ में मनाते हैं और बहुत खुशी होती है इनके साथ। जैसे मैंने इनके साथ फिल्म किया था मोहब्बत की जंग, वहाँ उससे पहले हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी दोस्ती है और बहुत जल्द हम लोग बहुत कुछ धमाका करने वाले हैं जो बहुत सीक्रेट है, आगे नहीं, आप लोगों को बाद में बताएंगे। गाना सुना आपने दिनेश भाई? हाँ, बहुत अच्छा लगा गाना। और मुझे यानी शूट चल रहा था तभी मुझे पता था और फिर जब गाना आया, कमाल है, धमाकेदार है। थैंक यू। और लोगों को पसंद आएगा, सुपर हिट है। सोनू भैया आपको अच्छा लगा? जी बिल्कुल, मैं तो अभी तो पूरा देश राममय हो गया है। अच्छा, कल नायक भी राम भक्त होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं। मैं तो देखिए हनुमान जी के अंदर में लोकेट है, बट क्या है कि इनका जो गाना है अंदर में है, बाहर नहीं, अंदर में है ना। अभी जैसे अभी जो गाना शूट हुआ है, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा राम जी पे बहुत सारे गाने आए हैं, बट वो क्या है ना, जिस तरह ठीक है गाने सब अच्छे हैं और राम जी के हैं तो नो डाउट, लेकिन बड़े ही पप्पू जी ने जो फिल्माया मतलब कोरियोग्राफ किया है, सिनेमा की तरह किया है उसको, एक एल्बम वाला स्टाइल नहीं है, सिनेमा वाला स्टाइल है बकायदा। आप देखिए और आप लोग खुद ही एक चीज़ बताइएगा कि अभी जो गाने आ भी रहे हैं तो इतने भजन आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि बस सब सीनियर्स को ही डेडिकेटेड है कि बस आप भजन गाइए और इसके अलावा आप कुछ नहीं करिए, तो फिर वो यूथ जो है वो भजन पे कैसे झूमेगा या गाएगा? या आप जानते हैं आजकल की जनरेशन है, हम लोग हैं तो हमें भी थोड़ा म्यूज़िक चाहिए होता है, आप लोग को चाहिए कि नहीं? मतलब हम भजन में एक लिमिट तक, हमारे मम्मी पापा सुनते हैं बड़े खुश होते हैं, अच्छा लगता है कानों को, लेकिन जो आज की जनरेशन है हम लोग हैं तो कुछ हमें कुछ चाहिए, कुछ जोश चाहिए। हाँ, तो वो जोश लाने के लिए ना ये गाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि भोलेनाथ जी के भक्त हैं वही सिर्फ झूमते रहें, क्या राम के भक्त के जोश में गा नहीं सकते क्या कि जैसी दिल सिया राम बोलेंगे तो हमने बुलवा दिया दिल सिया राम बोलेगा, वो भी डीजे स्टाइल में पूरे जोश के साथ पूरा एंजॉय करेंगे। तो काफी क्लासिक गाना है, वीडियो भी अच्छा, ऑडियो भी अच्छा है और देखिए उसमें जो हमने लिरिक्स भी डाले हैं मतलब अच्छे क्लासिक लिरिक्स है, ऐसा नहीं कोई लिरिक्स में हम लोगों ने कोई चीज़ छोड़ी नहीं। तो एक चीज़ होता है ना कि
लिरिक्स में भी कुछ गड़बड़ी हो या कुछ समझ ना आ रहा, हमने हर चीज़ सटीक तरीके से बनाई है जो लोगों को अच्छी लगे। और ये बात जो हमने बोली है, जैसे कि उसमें मोदी जी के लिए जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल फैक्ट हैं कि मोदी जी आए हैं, उन्होंने द्वार खोल दिए हैं, तो भक्तों की कतार लग चुकी है। इससे पहले तो सही में हम चांस ही कम रहते, ये समय जो आया है ये अभी तक नहीं आया था। तो ये थैंक यू मोदी जी कि आपके चक्कर में और आपकी वजह से हम सब लोग को ये दिन देखने को मिल रहा है कि पूरा जो कहते हैं ना वर्ल्ड जो है वो हर जगह भगवाधारी होने के बाद हर जगह जय सिया राम के नारे लगे हैं, जय जय सिया राम के नारे लगे हैं, तो वो बहुत हमारे लिए बहुत गर्व और बहुत बड़ी बात है। नारियल के पेड़ भी भगवाधारी हो गए हैं, थोड़े दिन में हम सब लोग उन्हीं कपड़ों में नजर आए। विश्वास था वो भी विश्वास करने लगे हैं। हाँ, जिनको नहीं विश्वास था, दूसरे धर्म के लोग भी आज जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। जी जी, और बहुत बड़ी बात है, उनके वंशज हैं, तो बहुत खुशी की बात है। तो स्वीटी जी के बर्थडे के साथ एक बार जोर से जय श्री राम, जय जय सिया राम। क्या बात है भैया, स्वीटी जी का जन्मदिन। मैं स्वीटी को बोलूँगा शी इज वेरी डियर टू मी, और हम लोग मिले तो एक्टिंग के लिए, मतलब शी वॉज माई एक्ट्रेस। मैंने एक फिल्म बनाई थी भोजपुरी, मैंने तीन ही फिल्म बनाई है चंदा की थी, लेकिन मेरी एक वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट फिल्म है और उसकी अच्छी हीरोइन है वो स्वीटी छाबड़ा है। और इसको मालूम है तो इसने चंदा प्ले किया था लीड रोल और बहुत अच्छा किया चंदा था। आप लोगों ने भी देखी होगी, बहुत ही विनय आनंद उसमें एक्टर थे, बहुत अच्छी फिल्म है। ओके, यू रिमेम्बर दैट, वेरी नाइस मूवी, बहुत अच्छा डायरेक्शन था। सर फिर से कीजिए नई फिल्म, हम लोग इंतजार कर रहे हैं स्वीटी। अब ये हिंदी और ये क्राइम पेट्रोल और उसी में घुस गए हैं, ये क्राइम पेट्रोल के आगे ही नहीं निकल रहे, वो तो सब जगह क्राइम ऑडियंस की डिमांड है। चलिए करते हैं, अब डिमांड सर स्वीटी को लेके ही बनाऊंगा और बहुत अच्छी फिल्म लेके आऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। मतलब भोजपुरी में वो भी माइलस्टोन होगी, मैं बता रहा हूं। विल चेंज द ट्रेंड। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें बताया नहीं था, यू नो दैट प्रोड्यूसर I had planned a very good movie with you. Okay. As a lead cop in a film. Okay. Bhojpuri film में. ये मुझे लग रहा है surprises देने इस कार्य में लगा है। मैं क्यों आया मालूम है? इसलिए आया था, वो आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं। I am waiting. Okay. For okay. Now you understood. मैं किसकी बात कर रहा हूँ? Yeah, I can understand. तो मैं एक बहुत अच्छी फिल्म मैंने script भी लिखी हुई है already तुम्हारे लिए। तो यानी मुझे gifts मिलना शुरू हो गए। और टचउट बहुत जल्दी करूंगा, और वैसे भी मेरी फेवरेट है, इसको मालूम है मैं एक हाई मॉम हिंदी फिल्म बना रहा था और इसके लिए मैंने कास्टिंग भी कर दी थी, मनीषा कोरियाला इसकी माँ बनी थी। ठीक है, हाई मॉम वो नहीं, वो फिल्म ही नहीं हो पाई, फिल्म ही नहीं हो पाई थी, मेरा भी डेट्स का इशू था, थोड़ा सा प्रॉब्लम, मनीषा जी का कुछ शायद थोड़ा सा कुछ चीज़ों पर वर्कआउट नहीं हो पाया, तो फिल्म नहीं की। और मैं इतना ही कहूँगा कि जितनी अच्छी एक्ट्रेस है उतनी अच्छी ह्यूमन बींग है, उतनी अच्छी लाइब्रेरी गर्ल है, तो महादेव इसको हमेशा ब्लेस करे, एंड सी नीड्स गुड ब्लेसिंग्स, और मुझे लगता है शी विल डू मच बेटर और अच्छा करेगी जीवन में। आप लोगों को कुछ पूछना है मुझसे इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। इसको एक्चुअली मैं कभी जल्दी देखता नहीं हूँ गाने, इसने भेजा, स्वीटी वॉज देयर, तो मैंने गाने देखा एंड रियली आई एंजॉयड इट। मतलब मुझे इतना मजा आया ना, एक देखो, एक तो हम लोग महादेव के भक्त हैं, राम भक्त हैं, महादेव बोलो राम बोलो एक ही है हम लोग, तो सही बात। तो राम, अगर महादेव को बोलोगे आप किसकी पूजा करते हो, बोलेंगे श्री राम की, श्री राम को बोलोगे किसके, महादेव की, तो हम तो महादेव ही है वैसे भी, हम लोग तो बाबा लोग हैं, जानते गृह लोग हैं हम लोग, तो हम लोग मर्दारी है, तो हमें तो सब सेट पे बाबा ही बोलते हैं वैसे भी। अभी यहाँ आया हूँ पार्टी में, इसलिए वो सब पहना नहीं हूँ, सुबह मिलेंगे टीका नहीं है, अभी पार्टी वाला सेट पे आएंगे, बाकी मिलेंगे तो उसी में मिलेंगे, और इट इज़ गुड, और मुझे लगता है शी विल डू बेटर। थैंक यू सो मच सर। सर ये फर्स्ट टाइम आए होंगे हमारे यहाँ, लेकिन मैं एक चीज़ इनके बारे में बताऊंगी, इनको आपने हमारे गाने में देखा होगा शायद, आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, जो रैप था वो सर ने ही किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने रैप किया है, तो इन्होंने भी चार चांद लगा दिया हमारे गाने में। बिल्कुल, चार लाइनें आ रही हैं कि मैं मिला, मैं मुंबई में रहा, बहुत सारे लोगों से मिला,
लेकिन इनके साथ जो पहला काम किया, जो इनका व्यवहार देखा है, उसमें आता है कि ऐ मेरे ख्वाजा तू कर दे मुझको सुर्ख रू, कि ऐ मेरे ख्वाजा तू कर दे मुझको सुर्ख रू, अपने रंग में मुझे रंग दे इस तरह तू, चलूं तेरे नक्शे कदम पर इस तरह लोग तरसे मेरी दोस्ती के लिए। दोस्ती के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ। थैंक यू सो मच। देखो मेरे दोस्त को बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है स्वीटी जी, उन्होंने जो एक गाना रिलीज़ किया है जय सिया राम बोलो, बहुत प्यारा गाना लगा है। मैंने कम से कम मिनिमम 4 से 5 बार उसको चालू करके पूरी वीडियो देखी है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों ने गाना बनाया है, बहुत सारे भगवान के ऊपर तो गाना बहुत सारा बना है, लेकिन अगर हकीकत में युवाओं को झूमना चाहिए तो इस गाने पे झूमना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि पॉलिटिक्स में जो मोदी जी, तो मोदी जी को पूरी दुनिया आज फॉलोअप कर रही है, देश में विदेश में अपने देश में तो हर कोई फॉलोअप कर रहा है। वैसे स्वीटी जी को भी वेलकम करूँगा कि पॉलिटिक्स में जल्दी युवाओं को प्रेरित करें। और मैंने हमेशा बोला है, और मेरी दोस्त आज बर्थडे के दिन पे गणपति पप्पा से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी हमारे बीच में MLA बन के आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। वैसे पांडे जी आपने 4-5 बार ही सुना, दूसरी तरफ किशन पांडे इन्होंने 15-20 बार सुना है जी। देखो वो थोड़ा थोड़ा सुने होंगे, लेकिन मैंने 5-5 बार सुना, तो पूरी वीडियो सुना है, पूरा गाना सुना और कमेंट भी किया है। तो उनको करना, मैंने भी कमेंट किया ऐसे बस ऐसे, और मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा भी है, मेरे स्टेटस पे भी रखा है, तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा होगा। लेकिन ये एक ऐसा बंदा है जो मुझे ना पॉलिटिकली बहुत आगे तक देखना चाहता है, जिस पार्टी में भी आते हैं उनका सिर्फ एक ही विश रहती है आप कब जाएंगे, कब आगे, क्योंकि इनको चाहिए कि ऐसा यूथ के लिए आप प्रोत्साहित करने के लिए। यस यस पक्का होना ही चाहिए। ओके चलो, थैंक यू सो मच।